फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब? तो पिछला ब्लॉग अदीबा के बर्थडे का कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा लेट आएगा एक दिन बाद, क्योंकि नेट ख़त्म हो गया था मेरे फ़ोन का। देखिए कल काजल लगाई थी, वो अभी तक दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं बॉब को हॉस्पिटल लेके। दिख रहा है आपको बॉब के सर पे पता नहीं कुछ ऐसा मोटा मोटा सा हो गया है, जैसे गिर के लग जाता है, मगर कैट्स को तो होता नहीं है। शिनचैन की मम्मी मारती है तो होता है। तो हम लोग उसको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, देखेंगे क्या है, डॉक्टर क्या बोलता है, फिर आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ हॉस्पिटल। हम लोग आ गए फ्रेंड्स, कोई भी डॉक्टर नहीं मिले। ये देखिए बॉब और पीयू। बॉब कितना परेशान कर रहा था रोड में, खोलो बोल रहा था, रो रहा था वो बास्केट में बैठे बैठे। तो डॉक्टर्स नहीं थे जिनके पास हम जाते हैं, डॉक्टर उमर वो कहीं काम से गए हुए थे। तो उन्होंने बोले एक घंटा लगेगा, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए तो उनका टाइमिंग 1 बजे तक के था। तो देखते हैं, अभी इनको कोर्ट भी जाना ज़रूरी है, तो काम करके आ जाते हैं, फिर जाएंगे शाम में एक चक्कर डॉक्टर उमर के पास जाएंगे। तो हमारी सारी कैट्स वहीं जाती है, तो देखते हैं कुछ है ना, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल है, खा रहा पीता सब कुछ। मगर यहाँ पर ना ऐसा कुछ आ गया मोटा सा, उसी को चेक कराने, किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि है ना पीयू 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 नींद में। पूरा दिन निकल गया और ये भी आ गए हैं जाके अपने क्लाइंट्स से फुर्सत हो गए। पहुँचते फिर आप देखो डॉक्टर क्या बताता है, मैं रिकॉर्ड कर दूँ, आप लोग भी देखिएगा। उधर आ जाओ, ऐसे खेलने का टाइम हो और आप लोग इधर लेकर आए, मतलब कुदा कादी चालू थी, तमाशी करना है आपको। डॉगी है तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं क्लिनिक में, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं और यहाँ पे डॉगी को भी लेकर आए हैं। तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, डॉक्टर किसी से बिजी है, वेट करो बोले, फिर शायद डॉगी का नंबर है, फिर हम लोगों का नंबर है। वो घूम के उसी को देख रहा है, हाँ इधर मंडी कर लिया। देखिए अब डॉक्टर क्या बताते हैं, कितनी देर लगती है हम लोगों को, सेकंड अपॉइंटमेंट हमारा है। देखिए अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए अंदर, टेन भी लेकर। हाँ सर, तो पता नहीं अंदर जाने की मोटा मोटा कुछ हो गया सर, क्यों कुछ मार लगी थी, इसके अलावा और कुछ खाना ना खाया, बराबर सब माशाल्लाह सब ठीक है, सब अलग। अच्छा इसको दूध की एलर्जी है, दूध पीने से इसको लूज मोशन होते हैं, वो क्यों होता है? दूध मत दिया करो, दूध नहीं देने का, पर वो मांगता है। अल्टरनेटिव फिर उनका ये कैट फूड आता है ना, तो नहीं कैट फूड तो देते ही हो दूध के लिए, इससे दूध के लिए फिर वो सर अलग देना, अगर वो नहीं पीता है तो सर दूध से एलर्जी है तो सर अलग देना, आजकल लूज मोशन होते हैं दूध से, सर अलग देने का, वो सर अलग लेके जाने का, वो देने का। कितने का था ये? वो मेरे पास 350 रुपए का है। हाँ 350 लिखा है। नहीं ये छोटा वाला, ये नहीं वो तो टॉनिक है, तो बाल झड़ने की टॉनिक है, इनके बाल झड़ते हैं ना उसकी टॉनिक। तो ये कैसे पिलाते हैं? ये रोजाना 1 ml देने का पानी में, नहीं डायरेक्ट पिलाने का सिरिंज से, और वो 250 ml का आता है, कम से कम 4-5 महीने चल जाता है, तो उससे क्या होता है इनके बाल मजबूत हो जाते हैं, और वो जो चाटते हैं ना बाल,
चाटने की आदत है, तो बाल चाट चाट के इनके पेट में जाते हैं, उसके गोले बन जाते हैं, छोटे छोटे बाल बन जाते हैं, उससे और प्रॉब्लम होता है। इसलिए बाल मजबूत रहना चाहिए करके वो टॉनिक देते हैं। इससे ज्यादा तो हमारी जो वो लोकल है ना, वो बिल्लियां बहुत, उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, उनके उतने बड़े बाल नहीं रहते, इनके बड़े बाल, इनके तो बड़े, इनके गोले जल्दी बनते पेट। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है। इंजेक्शन दे रहे हैं अभी? कमर में लगाएंगे, पैर में, पैर में लगाएंगे। हमने तो लाए हैं, आपने कितनी भी लिया लाए आपके पास में तो आप आते हैं? हाँ जी, रेगुलर ही आते हैं ना, मैं पहचानते नहीं हमको। अल्लाह, 11 बिल्लियां थी, बिल्लियां भी इतनी सारी आती है। हाँ जी जी जी, हाँ, किसी ने बोला हम आते हैं तो फिर याद करते हैं। मैं जाफरनगर वाला आपको, मैं रहता है, हमारा ट्रीटमेंट से मतलब रहता है। हाँ जी बिल्कुल, अभी लेडीज को मैंने 3-4 जनों को भेजा ना आपकी तरफ, इसको देख के क्या याद रखना बराबर है, बेशक बेशक, अपने यहाँ बराबर नहीं है, आदमी को गौर से देखे याद रखो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2-4 लोगों को भेजा भी आपके इधर पे। हाँ आते बिल्कुल, मैंने बोला कि वो भाईजन के पास चलाओ, बड़ी अच्छा ट्रीट है। जैसे इनको कहां गौर से देखें, कहां याद रखें, हां हां आप आए थे, कहां इतना वो है। जी जी जी, वैसे वैसे ये आते ज्यादातर, मैं तो, मेरे को डर लगता है, इन लोगों को लगती है तो दुखता है। अभी पॉप को क्या होने वाला है? सुई लगने वाली, इंजेक्शन लगने वाले। पॉप को बताता हूं, वैसा पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ करेगी, और रुक जाओ। इंजेक्शन और फाइनली ये क्या? पीछे के पैर पकड़ो दोनों हाथ। अच्छा, ना ना ना, एक ही हाथ से दोनों ताकत से पकड़ो दोनों हाथ। बहुत टाइट, ये तो अभी से ये टॉवल से पकड़ना पड़ेगा, टॉवल, ये टॉवल से पकड़ो ना। अरे मोटा, इतना मोटा थोड़ी होना। एक मिनट, इंजेक्शन की जगह देखो। अल्लाह अकबर, फिर से टाइट पकड़ना। नहीं आ, वो भी सामने के पैर पकड़ो। कैसे करूँ मैं, तुमको आना पड़ेगा। सुनिए, सामने एक आदमी, सामने का पैर पकड़ो, सामने का मेरे को पकड़ना था, पॉसिबल। मोबाइल रख दीजिए सामने के। एक बाप को लगी है सुई, बाप गुस्सा है। ओ तो हो गया हमारा, बॉब का इंजेक्शन वगैरह, और बॉब ने बहुत सताया है। इंजेक्शन बड़े प्यार से ले लिया, और है ना जो दवाई खाने में बड़ी प्रॉब्लम लगाया, तो अब आपको मिलती हूँ घर पर। हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ने नहीं होगा, रोड में बड़ी भीड़ है, मिलती हूँ आपको घर पर। तो ये हम आ गए गड्डी गोदाम लेप वाले चचा के पास। फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं गड्डी गोदाम इनको लेप लगवाने, इनके पैरों में की सूजन तुम्हारे नहीं ना बनवाए, इनका व्लॉग बनाएंगे पैरों में पट्टी लगते हुए, है ना। इनको ना बहुत दिनों से तकलीफ थी, फुटबॉल खेल के पैर मुड़ गया था, तो सूजन आ रही है मुश्किल में, ये दिखाई नहीं रहता, दिखाई नहीं रहता डॉक्टर को, बस घर में मालिश करवाते हैं बस। तो अभी मैंने लेकर आई हूँ इनको, और लेप वाले चचा देखो वो बैठे हैं, दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, फिर उसके बाद मैं इनका नंबर आएगा, फिर हम, मैं आपको दिखाऊंगी इनको पट्टी और शूज़ पहन के आए हैं, पट्टी पे शूज़ कैसे पहनते वो भी देखेंगे, नहीं तो पता चल बिना जूते चप्पल के जा रहे। तो ये लगना स्टार्ट हो गई है इनको लेप की दवा, मतलब लेप लगना स्टार्ट हो गया, तो इसका प्लास्टर लगेगा इनको जुमे तक के, और काफ़ी रिलैक्स होता है, इसकी वजह से ये देखिए खड़े हो गए। और इसके बाद हम लोग गए नूडल्स खाने, इनको भूख लगी थी ज़ोर की, काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गया था, और उसके बाद हमने बच्चों के लिए और अम्मी और मम्मी के लिए आइसक्रीम भी लेकर आए घर पर। और ये था आज का व्लॉग बॉब और उसके पापा का हॉस्पिटल विजिट। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।